मिशन बीटेक एडमिशन 2024 सीरीज़ का ये 10th वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो में अलग अलग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड डाल चुका हूँ। तो 10वें वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ IIIT हैदराबाद का जो UG का एग्जाम होता है ना, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स, उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2024 के लिए जाने वाली है, क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फी लगने वाला है, साथ साथ बात करेंगे कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। और अगर आपको सिलेबस का PDF चाहिए या एग्जाम प्रिपरेशन के नोट्स चाहिए तो सबके सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वो जाकर के चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। तो अगर बात करें यहाँ पे कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है IIIT हैदराबाद UG 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है और उसमें 5 सब्जेक्ट्स होने होने चाहिए। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करूँ तो मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मिला करके हो, टोटल 5 सब्जेक्ट्स मिला करके मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स आपके बनने चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अपीयरिंग कैंडिडेट की अगर बात करूँ यानी कि अगर आपका क्लास 12 का जो एग्जाम है 2024 में क्लियर हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको जो है एज ए अपीयरिंग कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। और रही बात एज रिस्ट्रिक्शंस की, तो IIIT हैदराबाद में बीटेक एडमिशन के लिए कोई मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं पर बात करके इसकी एप्लीकेशन फी क्या कुछ लगता है, तो अगर आप जो है मेल है तो आपको 2500 रुपये का फॉर्म फी लगेगा, वहीं पर फीमेल को 1250 रुपये का फॉर्म फी लगेगा, यानी कि आधा लगता है फीमेल को, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं। आप पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ATM कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये UPI के थ्रू भी आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए लास्ट ईयर जो गूगल पे से बहुत प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे, तो अगर उससे बचना है तो दूसरे UPI का इस्तेमाल कर लेना, लेकिन इस बार का मुझे लगता है कि अब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब बात करते हैं कि IIIT हैदराबाद का अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम 2024 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। तो अगर बात करूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। जो लास्ट डेट रहने वाला है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च रहने वाला है, यानी कि आपके पास तकरीबन 1-1.5 महीने का टाइम रहता है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एडमिट कार्ड जो है आप 3rd week of April 2024 से डाउनलोड कर पाएंगे, आपको ऑनलाइन ही मिलने वाला है, आपके घर पे नहीं आने वाला है। वहीं पे एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो 1st week of May 2024 में IIIT हैदराबाद UG का जो एग्जाम होने वाला है और इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो 3rd week of May 2024 को इसका रिजल्ट आएगा। इस पर डिटेल रिव्यू वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाला हुआ है, तो चैनल विजिट करके वो वीडियो डेफिनेटली आप देखना। और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर वो आप मिस कर चुके हैं तो डेफिनेटली वो सारे चैनल पर हैं, आप जाकर के चेकआउट करो।